एमपी एनआरसी की एक बड़ा सक्सेस के बाद, यानी एमपी एनआरसी का जो केस स्टडी है वो हमारे बेंगल टाइगर रिपोन भाई ने जब वीडियो बनाया उसके बाद यूट्यूब पे धूम मचा हुआ है कि भाई हमको भी एक वेबसाइट बनाना है गवर्नमेंटल एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर और वहां से बेनिफिट लेना है। ऑब्वियसली अगर आपको एक्सपायर्ड डोमेन मिल जाए तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब पहला ही सवाल यह आता है कि हमको गवर्नमेंटल वेबसाइट यानी गवर्नमेंटल एक्सपायर्ड डोमेन वेबसाइट या फिर गवर्नमेंटल एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड आउट कैसे करना है। आते सीधा स्क्रीन पे और स्क्रीन पे यहाँ पे आने के बाद मैं बताता हूँ कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर है दो। पहली बार अगर किसी गवर्नमेंटल पर्सन ने इस वीडियो को देख रही है तो उनके लिए दो डिस्क्लेमर है, या फिर मेरे तरफ से जो है इसको कह सकते हो कि साउट आउट या फिर जो भी कह लो। सर मेरा ये जो मोटो है वीडियो बनाने का ये सिर्फ और सिर्फ जो एजुकेशनल पर्पस के लिए, और दूसरी बात है कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख रही हो तो मैं जिस टाइप ऑफ बता रहा हूँ उस टाइप आप भी फाइंड आउट करके आपका जो डेड लिंक पड़ा हुआ है उसको आप हटा सकते हो। ओके, चलते सीधे स्क्रीन पर यहाँ पे टाइप करते हैं, मान लीजिए कि WBETSTATGOVERMENT। ओके, सो मैंने इतना सा टाइप किया हूँ, यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का जितने सारे वेबसाइट है आपको दिख जाएगा। अब उनमें से जो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी अप्लाई किया जा रहा है उसको थोड़ा सा समझो, तब आपको सारी चीज़ें कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। अब लोग क्या करिए कि ये जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंटल स्टेट वाइज जो गवर्नमेंटल वेबसाइट है, चाहे वेस्ट बंगाल की कह लो या फिर चाहे अदर जितने भी स्टेट्स की मैं कह दूं, तो उनके अंदर वो लोग जा रहा है और ऐसे क्लिक करने के बाद यहां से फाइंड आउट कर रहा है नीचे, और यहां पे देख रही है कि इनका क्या क्या इसके नीचे आ रही है, और यहां से जितने सारे लिंक आप देख पा रही हो इस सारे लिंक के ऊपर अगर आप चलोगे तो एक ना एक वेबसाइट के अंदर आप जाके लैंड करोगे। ठीक है, तो लोग यहाँ पे बैठ के सारे लिंक्स को ढूंढने की कोशिश करिए, यहाँ से शुरू करिए, मतलब उसका जो लिंक ढूंढने का प्रोसेस है वो मेन वेबसाइट से शुरू कर रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है हमेशा जैसे रहती है, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है या फिर किसी गवर्नमेंटल पर्सन इस वीडियो को देख रही हो तो आपको भी करना क्या है, मैं बता दूं कि यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है DRLINKCHECK and CHECK and उसके बाद .com। ओके, सो इसको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस टाइप ऑफ वेबसाइट आ जाएगा। ओके, अब आपको करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे किसी ने यूपी गवर्नमेंट सर्च किया तो up.gov.in, किसी ने अदर्स किसी भी कंट्री को सर्च किया कोई इशू नहीं है, बट मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल को लेकर दिखाता हूँ। तो ये था पूरा का पूरा यूआरएल को यहाँ से उठाओगे, आपको ऐसे उठाना पड़ेगा, इसको ऐसे कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आपको जो है योर वेबसाइट यूआरएल के अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब जैसे पेस्ट करेंगे उसके बाद स्टार्ट चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम लगाना पड़ेगा। अब देखो जब तक ये कंप्लीट लोड होगा यहां से आपको 2 से 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक भी टाइम दे सकती है, लेकिन अगर आप एक एक करके यहां से जाओगे फाइंड आउट करोगे इस टाइप ऑफ यहां पे क्लिक करके कहां पे लिंक एग्जिस्ट कर रहा है कहां पे लिंक नहीं एग्जिस्ट कर रही है, कौन सा डू फॉलो लिंक है कौन सा नो फॉलो लिंक है, तो आप परेशान हो जाओगे और आपको ये पता ही नहीं चलेगा। मतलब लोग यहां पे चीजें क्या करिए, अगर आप बिल्कुल नए हो तो थोड़ा सा सुन लीजिए जब तक ये चीजें यहां पे लोड हो रहा है। लोग क्या करिए कि इन सारे वेबसाइट के अंदर आने के बाद कोई ऐसा शॉर्ट स्कीम स्टार्ट किया था, कोई ऐसा योजना क्रिएट किया था जो कि गवर्नमेंट ने, और आज के डेट में वो योजना एग्जिस्ट नहीं करी है, या फिर उस योजना के बेस पे एक जो है वेबसाइट बनाया गया था लेकिन वो वेबसाइट आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करी है, वो डोमेन एक्सपायर्ड हो गया है। अब आप जो है यहाँ से expireddomain.net बोल के वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये तरीका सबसे यूनिक है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो जो मैं बता रहा था कि जो योजना या फिर जो स्कीम आज के रेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या फिर स्कीम तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन शुरुआत में क्या क्या था, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे ही मैं बता रहा हूँ एग्जांपल की ABCD योजना किसी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, ABC यानी XYZ योजना शुरू किया था, एग्जाम्पल XYZ योजना शुरू किया था, और जब शुरू किया था तब उन्होंने डोमेन लिया था XYZ.in या फिर XYZ.com या फिर XYZ.co.in या फिर XYZ.org या फिर XYZ.net। ठीक है, बाद में चल के जैसे ये सारा कुछ मतलब सेटिस्फेक्शन हो गया गवर्नमेंट को, योजना जो है अच्छी तरीके से रन हो गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया उस वेबसाइट को जो कि XYZ.in में एग्जिस्ट था उसको XYZ.gov.in में लेके आ गया। तो जो पहले दफा जो वेबसाइट को रजिस्टर किया गया था XYZ.in उसका क्या हुआ, वो डोमेन कहीं ना कहीं एक्सपायर हो जाएगा कुछ टाइम बाद चल के। अब यहां पे ब्लॉगर ने दिमाग लगा के वही डोमेन को फाइंड आउट कर रही है कि वो डोमेन आज के डेट में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं, या फिर वो डेड हो चुका है या फिर एक्सपायर्ड हो चुका है तो उसको हम जो है रजिस्टर कर लेंगे, क्योंकि वहां पे इन सारे गवर्नमेंटल की जो मेन पॉपुलर पोर्टल या फिर वेबसाइट है उनका लिंक जूस उसके अंदर बाईपास किया गया था तब के तब, और बाद में गवर्नमेंट जो है उन सारे लिंक को हटाया नहीं, या फिर जो उनको अथॉरिटी मिल गया था वो अथॉरिटी तो आज के डेट में डिक्रीज नहीं हो सकती है, तो उन अथॉरिटी के बिहाफ पे एक नया वेबसाइट बना के उसके अंदर डिस्क्लेमर वगैरह अटैच करके बहुत आसानी से जो रैंक कर सकते हो गूगल की फर्स्ट पेज पे, क्योंकि गूगल का जो नया वेबसाइट है
अगर आप नया डोमेन पे आप उसको काम करोगे तो 2-3 महीने तक आपको जो ऐसे ही गूगल जो बाईपास करके रखेगा, साइड करके रखेगा, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ठीक है, आप कितना भी अच्छे मेहनत कर लो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। 2-3 महीने बाद चल के जब उनको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ ये चीज़ें अच्छे से वर्क करिए, ये चीज़ें अच्छे से काम करे, तब जो है आपको ये अथॉरिटी देगा कि हाँ आप आओ, धीरे धीरे आप रैंकिंग में आओ, और उसके बाद आगे आगे जैसे काम करोगे तो आपका रैंकिंग बढ़ जाएगा। अब इन सारे डोमेन अगर आपको मिल जाए तो आप इन सारे डोमेन के ऊपर इतना कुछ कर सकते हो, आप पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में तो है, मेरे दिमाग में भी है, तो मैं इस प्रकार से जो यहाँ पे डोमेन को फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर किसी गवर्नमेंटल पर्सन इसको देख रही है तब भी इस वीडियो को वॉच कीजिए। आप चाहे तो वहाँ से जो लिंक अभी तक आपका बाईपास हो रहा है वहाँ पे जो लिंक आपने अभी तक जो रिडायरेक्ट करके रखी हो उस लिंक को आप हटा सकते हो। ओके, सो गाइस यहाँ पे देखो आपको करना क्या, ये टूल कंप्लीटली आपके लिए 1500 लिंक चेक करके देगा बिल्कुल फ्री में, लेकिन उससे ज़्यादा आपको लेना है तो आपको इसको पे करना पड़ेगा, इसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि 1500 ही काफ़ी है मेरे लिए, और इस 1500 में से हम इसको फाइंड आउट करेंगे क्या क्या चीज़ें। और भी ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसको पर्सनली यूज़ किया हूँ और मैं इसको और अदर्स टूल्स के साथ कंपेरिजन करके देखा हूँ कि ये टूल्स जो है बहुत आसान कर देता है सारे चीज़ों को, सारे काम को, ताकि आप एक दिन में ही सारे के सारे इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन में जितने सारे स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स की डेटा निकाल के आप चेकआउट कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं, बहुत सारे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना तब भी आप जो इस प्रकार से काम करना, नहीं तो आप एक डोमेन के चक्कर में आपको बहुत कुछ हो सकती है, आपके साथ बहुत कुछ हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे देखो 1500 डोमेन मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, उनमें से 950 जो है अभी स्कैन हो चुका है। जब तक ये 1500 ही स्कैन कंप्लीट नहीं होता है तब तक के लिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। सो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो कि आउट ऑफ 1500 और 1500 जो लिंक है यहाँ पे स्कैन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको शुरू कहाँ से करना है, अब आपको शुरू करना है सबसे पहले यहाँ पे देखो होस्ट नॉट इरोड का एक सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, टॉप लिंक्स के अंदर और लिंक्स विथ इशू, इसको भी हम चेकआउट करेंगे। न्यू लिंक्स के एरिया में हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये लिंक्स जो है अभी अभी लिंक किया गया है हमारे गवर्नमेंटल वेबसाइट के साथ साथ। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, स्टेट्स की गवर्नमेंट की वेबसाइट को आप यहाँ पे ऐसे फिल्टर करके चेकआउट कर रहे हो तो वो जो है यहाँ पे आपको बताएगा। ठीक है, साथ में ये भी ध्यान रखना कि आप कितने तारीख को कितने बजे इन सारी चीज़ों को कर रही हो, ये शायद हो सकती है कि गवर्नमेंट तक आपकी डेटा पहुँचे कि इन डिवाइस से जो है आपको मतलब आपकी जो लिंक है उसको एनालिसिस किया गया था। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, तो आपको जो करना है एकदम सिक्योर एंड सेफली करना है, यहां पे आना है और आपको यहां पे सबसे पहले चेकआउट करना है कि होस्ट नॉट फाउंड का जो एरिया है यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे तो यहां पे देखिए इतने सारे लिस्ट आपको मिल गया जिन सारे वेबसाइट्स का आज के डेट में होस्ट नहीं मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो ये होस्ट नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं से जो ये खराब है, ठीक है, डेड हो चुका है। तो अब यहाँ से आपको आपके एनालिसिस को स्टार्ट करना है कि यहाँ से आपको देखना होगा कि कौन सा ऐसा वेबसाइट्स या फिर ऐसे डोमेन है जो आज के डेट में एक्सपायर्ड हो चुका है। अब आप यहाँ पे आओ, दो चीज़ों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि दो चीज़ों से आप ध्यान हटक लीजिए, ये आपके लिए नहीं है। .nic.in और .gov.in ये दोनों एक्सटेंशन आपके लिए नहीं है, ये रिजर्व्ड है गवर्नमेंटल के लिए। ठीक है, तो इसमें हाथ मत लगाना क्योंकि ये आपको मिलेगा भी नहीं, और ऐसे अगर आपको मिल भी गया तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, सिंपली गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि .in एक्सटेंशन के साथ आ रहा है। ओके, और भी थोड़ा सा नीचे चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे देखो सारे के सारे जो है .nic.in एंड .gov.in पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक वेबसाइट मेरे को मिला जो कि .in डोमेन पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो इसको हमने क्लिक किया और क्लिक करके हम चेक कर नया ब्राउज़र में रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे चेक करके मैं देख रहा हूँ कि इस वेबसाइट का जो है डेटा अभी कहीं ना कहीं इस वेबसाइट जो है क्रैश है। ठीक है, अब आपको करना क्या है वो मैं बताऊंगा, डेफिनेटली वीडियो को कंप्लीट वॉच करते रहना, और भी कुछ स्टेप्स है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ से हम बैक चलते हैं और बैक जाने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे को होस्ट नॉट फाउंड का जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया, इनमें से मेरे को एक ही रिजल्ट मिला। अब यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट साइट है, बहुत सारे स्टेट वाइज गवर्नमेंट है, उन सारे स्टेट वाइज गवर्नमेंट की साइट को ऐसे एनालिसिस करके चेकआउट करके देख सकते हो। ओके, आते हैं यहाँ पे देखो टाइम आउट, टाइम आउट का मतलब क्या है कि ऐसे कभी बार जो अपने वेबसाइट को लोड करते हो और बहुत ज़्यादा टाइम लेने के कारण ब्राउजर आपको कह देता है कि टाइम आउट। ठीक है, तो ये अच्छे से रन नहीं हो रहे, आप इसको भी चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पे भी कोई ऐसा डोमेन आपको मिल जाए जो कि यहाँ पे देख सकते हो .com वाला डोमेन है, साथ में यहाँ पे देखो .in वाला डोमेन है, साथ में यहाँ पे अगेन देख सकते हो कि .com वाला डोमेन है। ठीक है, तो इसको आप चेकआउट करके देख सकते हो कि सेम तरीके से कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं, ये डोमेन कितने से कितने तक रजिस्टर्ड है और कैसे आपको इसको काम में लेना है। ठीक है, वीडियो के साथ कंप्लीट बने रहना, मैं सारा कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगा। ओके,
सो अगेन हम चलते हैं बैक, और बैक जाने के बाद यहाँ पे और एक चीज मेरे को देखा कि अनसपोर्टेड बोल के फॉर टीम्स है, तो इसको एक बार मैं क्लिक करके देखता हूँ कि यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट बर ये जो है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है, और सारे के सारे jiobi.in के अंदर ही है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स किया है, तो ये भी सेक्शन आपके लिए नहीं है। अगेन हम बैक आते हैं एक मिनट, और यहाँ पे ये जो पार्ट है सबसे इशू टाइप, ये जो इशू है इशू में से आपको होस्ट नॉट इरोड और 404 नॉट फाउंड, ये तो शायद कहीं ना कहीं लिंक जो है ब्रोकन हो चुका है, ये भी आपके काम के लिए नहीं है। तो आप उतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट मत करो, पूरा का पूरा वेबसाइट को छान मारने में जितने टाइम लगाओगे इस टूल की मदद से आप बहुत ही कम समय में इस काम को कर पाएंगे, और ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटीज है आपको यहाँ से, आपको अदर्स ये न्यू लिंक्स एरिया को छोड़ के और भी जितने यहाँ पे रिडायरेक्शन एरिया को भी आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन से ऐसे वेबसाइट्स है जिसको टेम्पोरली रिडायरेक्शन किया गया, जिसको परमानेंटली रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यानी जैसे कि मैं बता रहा था कि किसी स्कीम या फिर किसी योजना जो है .in डोमेन पे एग्जिस्ट कर रहा था, तब अब चल के वो जो है .gov.in डोमेन पे आ चुका है, ठीक है, तो उस केस में उसको परमानेंटली जो रिडायरेक्शन लगाया गया है। तो इस पार्ट को भी आप एक बार चेकआउट करके देखेंगे, और यहां पे देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है जो कि परमानेंटली रिडायरेक्शन करवाया गया है। ओके, सो यहां से हम देखेंगे और इसको हम 100 कर देते हैं आउट ऑफ 100। सो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा 100 कर दिया। आप देखो ये जो डोमेन्स है इनमें से ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हो सकते हैं जो कि आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ अपने ऐसे इस प्रकार से जो है वेबसाइट्स के अंदर चल के स्टेट वाइज जो है यहाँ पे एक एक करके सारे चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए बैठोगे तो आपका पूरा महीना खत्म हो जाएगा, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये टूल आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, आप इसके मदद से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये वेबसाइट मैंने फाउंड आउट करके रखा था और ये वेबसाइट जो आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस वेबसाइट का क्या डेटा है, इसको हम एक बार क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम हुईस में जाएंगे, ठीक है, whois.com, और उसके बाद मैंने इसके अंदर एंट्री मारा और हुईस जैसे ओपन होता है तो हम इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, सो हमने इसको पेस्ट भी कर दिया, और उसके बाद जो हुईस डेटा को एक बार चेकआउट करके देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम्स क्या है इसके साथ। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो कि रजिस्टर किया गया था 2020 में और एक्सपायर जो होने वाला है बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक है। तो अब आपको जो है एक बिल्ली की तरह बैठ के रहना है कि कब जो है मेरे लिए ये मछली टपकेगा और मैं उसको खाऊंगा। ओके, अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको ये जो इसके ऊपर ध्यान रखना है, अगर आपको ऐसा सिचुएशन नहीं है तो आप किसी दूसरे एंगल से सोच के रखे हो, या फिर एक्सपायर्ड ऑलरेडी हो चुका है तो आप तो नया बाई कर ही सकते हो, लेकिन डोमेन एक्सपायर्ड डोमेन का एक हिस्ट्री है कि कितने दिन के बाद जो इस डोमेन को आप रजिस्टर कर सकते हो, कितने दिन के अंदर आप इसको बिल्ड कर सकते हो, कितने दिन के अंदर आप जो है ओनरशिप चेंज कर सकते हो, उसका भी एक प्रॉब्लम्स है, उसका भी एक मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, उसको समझना पड़ेगा। आने वाले सीरीज में मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मतलब आने वाले जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ये डोमेन आपको मिलने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों को चेकआउट करना है और कौन कौन सी चीज़ों को ऐसे उठा के देखना है कि इसके ऊपर हम वेबसाइट बना सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ही खुश है, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। आई होप कि ये टूल आपको बहुत हेल्प करेगा, आप इसके ऊपर लग जाइए, कल या परसों आपको वीडियो मिल जाएगा इसका सेकंड पार्ट, जहां पर मैं डिटेल्स डिस्क्राइब करूंगा कि कौन सा ऐसे डोमेन है जिसके ऊपर आपको वेबसाइट बनाना चाहिए या फिर कौन सा ऐसा डोमेन है जिसके ऊपर आपको वेबसाइट बनाना नहीं चाहिए। क्योंकि यहां पे देखो बहुत सारी चीजें, स्टेटस देख सकते हो कि क्लाइंट ट्रांसफर जो प्रोहिबिटेड, अभी क्लाइंट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, क्लाइंट अपडेट प्रोहिबिटेड, ठीक है, ये सारे के सारे अभी माना है, इसके अंदर आप इस चीज को नहीं कर सकते हो अभी के लिए। तो कौन सा ऐसा डोमेन है जिसको आप कर सकते हो, यहाँ पे स्टेटस में आपको क्या दिखना चाहिए उसके ऊपर हम डिटेल वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ, मिलते हैं डेफिनेटली अगले वीडियो में, और चलिए बहुत खुश है, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए, बाय।